बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। ये एक शॉप का मंजर है जहाँ पर गुजरावाला में थाना मंदरा के एरिया में एक वाकया पेश आया और हैरत अंगेज़ तौर पर इस वाकये ने सबको हैरत में डाल दिया। आप भी आखिर तक हमारा साथ लास्ट में दीजिएगा, चंद सेकंड्स में हम इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तकरीबन 2 मिनट की ये वीडियो है, हम इसे फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आपके लिए ताकि मेन मुद्दा आपको समझाया जा सके। तो लाइक कर दें इस वीडियो को। तो चलते हैं इस पर। आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ एक दुकानदार मौजूद है, साथ में कस्टमर और एक खातून भी मौजूद हैं। इतने में यहाँ डाकुओं की एंट्री होती है। इस कपड़े की शॉप के ऊपर डकैती की वारदात शुरू हो जाती है। मसल्ला डकैत गैंग काउंटर में से मौजूद रकम वगैरह भी निकालता है, इन बाकी लोगों को भी लूटना शुरू कर देता है, लेकिन इस खातून को ये कुछ भी नहीं कहता। बहरहाल इस चीज़ को यूँ फैलाया जा रहा है कि खातून कस्टमर और डाकू का इखलाक। तो जनाब, ऐसे इखलाक पर लानत है जिस इखलाक ने इन लोगों को यह ना सिखाया कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज है। अब इस चीज़ का क्या फ़ायदा कि अगर एक खातून के साथ जाकर उन्होंने किसी किस्म की कोई बदतमीजी ना की। बहरहाल ये उस खातून की खुशकिस्मती भी है कि उसके साथ ऐसा कोई मामला पेश ना आया, लेकिन इस तमाम वाक़े से इन लोगों को नेक नहीं कहा जा सकता। इन लोगों को जलील कहा जाए, बगैरत कहा जाए, जाहिल कहा जाए, मुजरिम कहा जाए, सभी चीज़ इनके ऊपर फिट आती है, बल्कि सख्त से सख्त अल्फाज में इनकी मजम्मत की जानी चाहिए। आप इस वीडियो के हवाले से राय दीजिएगा, इसे आगे भी शेयर कीजिएगा प्लीज़।